हाँ नमस्कार, आप सबका स्वागत है एनडीसी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। पिछले चार दिन से हम ज्योग्राफी का कंप्लीट ओवरव्यू लिए हैं और आज आपका पहला माइनर टेस्ट है और आज मैं आशा करती हूँ कि आप इसको बहुत अच्छा करेंगे। तो इसी के साथ आज हम टेस्ट ले रही हूँ मैं आप सभी लोगों का, और आपको क्या करना होगा, मैं क्वेश्चन बोलूँगी, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करने होंगे, फिर आपको मुझे बताना होगा कि टोटल क्वेश्चंस में से आपने कितने सही किए, गलतियाँ कौन कौन सी हुई है, फिर उन गलतियों को ही आपको राइट डाउन करना होगा, क्योंकि जितनी गलतियाँ कम होगी आपके सिलेक्शन के चांसेज उतने ज़्यादा होंगे। आई बात समझ में? चलो तो आज का टेस्ट अपन शुरू करते हैं, क्लियर? तो आज का पहला क्वेश्चन देखें, आज का पहला क्वेश्चन देखें कि राजस्थान, आज के पहले क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि राजस्थान का, राजस्थान में विस्तृत रूप से प्राप्य अज्वलित ईंधन खनिज है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, आशा करती हूँ कि अब तक तो आंसर आ गया होगा। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, अभ्रक। दूसरा क्वेश्चन देखें फटाफट, राजस्थान में टंगस्टन धातु की खाने निम्नलिखित जिलों में हैं। तो ऑप्शन है आपके पास उदयपुर, भीलवाड़ा, नागौर और सिरोही, जयपुर और दौसा, चूरू तथा नागौर। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा नागौर और सिरोही। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, गोठ मांगलोद जो जिप्सम भंडार एवं खदानों के लिए सुप्रसिद्ध है, किस जिले में स्थित है? तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, आशा करती हूँ कि आप लोग जल्दी से टाइप कर देंगे आंसर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा गोठ मांगलोद का? तो इसका आंसर होगा नागौर। चलें आगे, अगला क्वेश्चन, अगूचा गुलाबपुरा किस खनिज का खनन केंद्र है? तो अगूचा गुलाबपुरा किस खनिज का खनन केंद्र है? आंसर बताइए कि किस खनिज का खनन केंद्र है अगूचा गुलाबपुरा किस खनिज का खनन केंद्र है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। तो चले बताऊं आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सीसा और जस्ता। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर, जैसे इन क्वेश्चन को फटाफट हैंडल आउट करते जाइए। निम्न में से किस जिले या जिलों में राजस्थान में सोने के भंडार है? वाओ, राजस्थान में सोना भी मिलता है। तो जल्दी से आंसर बताइए कि किन जिले या जिलों में राजस्थान के सोने के भंडार है? तो ऑप्शन है अलवर, भीलवाड़ा, बाड़मेर, जैसलमेर, बांसवाड़ा व डूंगरपुर। आशा करती हूँ अब तक तो आंसर आ गया होगा। तो इसका आंसर है बांसवाड़ा और डूंगरपुर। जिप्सम और लिग्नाइट, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सिक्स नंबर क्वेश्चन। आप ऐसे टाइप कीजिएगा, फर्स्ट का आंसर ये, सेकेंड का ये, थर्ड का ये, उससे पता चल जाएगा, और बताते जाइएगा कि ये करेक्ट हुआ है और ये इनकरेक्ट। जिप्सम एवं लिग्नाइट के प्रचुर भंडार वाले जिलों का क्रमशः सही युग्म कौन सा है? तो डूंगरपुर और भीलवाड़ा, बीकानेर और पाली, बीकानेर और बाड़मेर, बाड़मेर और नागौर। तो सही आंसर क्या होगा? बीकानेर और बाड़मेर। चलें अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की सबसे बड़ी शीशे की खान है, मतलब आपको पूछ रहे हैं कि लेड की सबसे बड़ी खान कौन सी है? तो दरीबा, चांदमारी, खेतड़ी और जावर। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, और जो भी बच्चा आज फर्स्ट आएगा ना, जिसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे, उसको मेरी तरफ से मैसेज बॉक्स में कॉन्ग्रेचुलेशन किया जाएगा। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? जावर। फिर देखिए, राज्य में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, कल पढ़ा था अपन ने, कल रिवाइज करा था अपन ने कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो गंगानगर, जयपुर, कोटा, जोधपुर। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हमने कहाँ खोला है? जयपुर। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखें, राजस्थान का पहला निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क कहाँ विकसित किया गया है? तो जल्दी से बताइए, राजस्थान का पहला निर्यात प्रोत्साहन पार्क कहाँ स्थापित किया गया? आशा करती हूँ अब तक तो आप सब लोगों के क्या आ गए होंगे, आंसर आ चुके होंगे। तो आंसर क्या होगा इसका? सीतापुरा। छबड़ा पावर प्रोजेक्ट किस जिले से संबंधित है? तो बताइए छबड़ा कौन सी जगह है? तो छबड़ा कौन सी जगह पर है? बारा में है। आगे बढ़ें, और मैं निश्चित आपसे ये वादा करके जा रही हूँ कि जो भी बहुत अच्छा आंसर करेक्ट करके देगा, बहुत कम गलतियाँ करेगा, उसको मेरी तरफ से मैसेज बॉक्स में कॉन्ग्रेचुलेशन ज़रूर लिखा जाएगा। आगे चले, आगे देखते हैं, क्योंकि प्रोत्साहन देना ज़रूरी है। जितना आप इन दिनों में कॉन्फिडेंस गेन करोगे, उतना ही काम अच्छा होगा, उतना ही पेपर बढ़िया होगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान में जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है? आज गौर रखना, आपको गंदारी नहीं बनना है, नहीं वाले क्वेश्चन को कैसे हैंडल आउट करना है पहली क्लास में आपको सिखाया गया था। तो बताइए कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? सोयाबीन नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कौन सा कथन असत्य है? फिर से आपको ध्यान रखना है, गोला कर लीजिए असत्य को। माइनर टेस्ट में मैं आपके साथ हूँ और मैं आपको समझाती जा रही हूँ कि कैसे आपको सॉल्यूशन देना है। यांत्रिक कृषि गंगानगर जिले में प्रचलित है, ट्रू और फॉल्स?
आद्र दक्षिण पूर्वी मैदान सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त है। माही कंचन राजस्थान में चावल की उच्च उत्पादकता देने वाली किस्म है। सूरतगढ़ कृषि फॉर्म की स्थापना रूस की सहायता से की गई है। तो कौन सा कथन गलत है? आशा करती हूँ आपने दे दिया होगा आंसर, तो मैं अब आपको आपका सही आंसर बता देती हूँ। सी गलत है। माही कंचन राजस्थान में चावल की नहीं, मक्का, किसकी? मक्का की उच्च उत्पादकता देने वाली किस्म है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 के अनुसार वह जिला जहां वास्तविक रक्षण वन क्षेत्र अधिकतम प्रतिवेदित है। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए मुझे। करौली, उदयपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, तो कौन सा होगा इसका आंसर? करौली। चले आगे, ये हम रिवाइज भी करे थे अगर याद आए तो अभी, और अगर याद आ रहा है सच में कि हाँ रिवाइज करे थे तो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना कि इसके साथ एक और कौन सा जिला हम पढ़े थे, ठीक है? और बहुत आराम से, बिल्कुल आराम से मून में करना है, कोई पैनिक नहीं होना है। आज ये सीखना है कि वो जो 30 जुलाई की परिस्थितियाँ हैं वो आज यहीं इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको ले लेनी है, कि वहाँ पर भी हड़बड़ाहट नहीं करनी है, घबराहट नहीं करनी है एकदम, और एकदम कूल काम होकर सॉल्यूशन कीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। चंबल को मैच कीजिए, बनास को मैच कीजिए, लूनी को मैच कीजिए और माही को मैच कीजिए। आशा करती हूँ आंसर आ गया होगा अब तक तो कमेंट सेक्शन में। तो चंबल के सामने होगा ए में 4, बी में होगा खारी और बेड़च, और लूनी के साथ होगी उनकी सूकड़ी और जवाई, और माही के साथ होगा सोम और जाखम। तो आपका आंसर जिसका ए है वो सही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, वह क्या उत्पादन है जो चूरू, बीकानेर, गंगानगर पट्टी में बहुतायात मात्रा में पाया जाता है, जो कि पर्यावरण प्रदूषण का कारण है? मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में तथा गुणात्मक संवर्धन में के उपरांत उसका उपयोग स्वास्थ्य तथा निर्माण के क्षेत्र में होता है। तो वो पूछ रहा है कि वह क्या उत्पादन है जो चूरू, बीकानेर और श्रीगंगानगर पट्टी में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जा रहा है। देखो यहाँ पे एग्जामिनर आपको यहाँ लैंग्वेज में फंसाएगा, पर आपको फंसना नहीं है। जब भी लैंग्वेज के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो वो आपको बेसिकली इरिटेट करना चाहता है लैंग्वेज के माध्यम से। आपको इरिटेट नहीं होना है, उसका तोड़ निकाल लेना है। तो ऐसी आप देखो चूरू, बीकानेर, गंगानगर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है जिसका इस्तेमाल जो है वो हेल्थ को रिकवर करने में होता है, ये सब कुछ है। तो वो कौन सी मिट्टी है? मुल्तानी मिट्टी है। चले हाँ, जो लड़कियाँ देख रही हैं उन्हें बड़ी खुशी होगी, हाँ मुल्तानी मिट्टी से हम फेमिलियर हैं। चलो मावट होती है, तो मावट क्या है? फटाफट आंसर बताइए कि मावट क्या होती है। मावट भूमध्य सागरीय चक्रवातों से है, पहली क्लास में भी बताया था आपको। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कथन और कारण। अब फिर से कथन कारण वाले क्वेश्चन को ढंग से करना है, पहले ढंग से पढ़ना है। राजस्थान में खरीफ तिलहनों में मूंगफली, तिल, सोयाबीन और अरंडी शामिल है, क्या ये स्टेटमेंट कथन सही है? बिल्कुल सही है। राजस्थान में रबी तिलहनों में राई, सरसों, तारामीरा, अलसी शामिल है, ये भी सही है। तो आपके दोनों स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी। आशा करती हूँ कि ये क्वेश्चन सभी लोगों ने सही किया होगा, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन की ओर। अगला मुझे मैच करके बताइए। 18 खनिज से क्वेश्चन है आपका, आपको मैच द फॉलोइंग करनी है। समय दे रही हूँ मैं आपको और सोच रही हूँ कि अब तक तो आंसर आ गया होगा। तो देबारी कहाँ है आपका? देबारी उदयपुर होगा आपका। देबारी कहाँ होगा आपका? उदयपुर। चौथ का बरवाड़ा कहाँ है आपका? सवाई माधोपुर। रामपुरा आगूचा कहाँ है आपकी? भीलवाड़ा। और राजपुर देबारी कहाँ है आपकी? राजसमंद। चले तो अब तक अगर किसी ने एक भी क्वेश्चन गलत नहीं किया है तो हैंड रेस कर देना या लिख देना कि मैम मैंने 18 तक एक भी क्वेश्चन गलत नहीं किया है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो। त्रिकाल का संबंध है, अब इसमें क्या अभाव हो जाता है त्रिकाल का? तो आंसर बताइए, त्रिकाल का संबंध है, तो त्रिकाल के संबंध का आंसर होगा अंचारा व पानी, बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, पीली क्रांति के उत्पादन से संबंधित है, अब बताइए पीली क्रांति क्या होती है? तो इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए? तिलहन। उससे अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना पाया जाता है, वो आपसे पूछ रहा है कि राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना कहाँ मिलता है, तो जल्दी से आंसर दीजिए 21 नंबर क्वेश्चन का। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा जैसलमेर और नागौर। तो आज 21 तक आप एकदम अच्छे से पेपर को देख रहे हैं, कर रहे हैं, अब आगे चलते हैं 21 से आगे चलते हैं। देखो पेपर करते वक्त एकदम मस्त हो जाना चाहिए, ऐसे लगना चाहिए कि आप कोई पजल सॉल्व कर रहे हो। अगर आप उसको ऐसे लोगे ना कि आप कोई पहेली सॉल्व कर रहे हो तो चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएगी? आसान। अगर आप पैनिक हो जाओगे कि अरे पेपर है, इससे नौकरी मिलेगी, इससे मैं सरकारी नौकर बन जाऊंगा, तो वो जो हसीन ख्वाब आपके दिमाग में आएंगे ना तो वो आपको पैनिक कर देंगे। आप ऐसे समझे कि मैं न्यूज़पेपर की या कोई छोटी मोटी सी पजल सॉल्व कर रहा हूँ। ज़्यादा जो सुख की कामना है वो क्या करती है? तकलीफ दे होती है, इसीलिए।
निम्न में से राजस्थान के ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे माना जाता है? निम्न में से राजस्थान के ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसको माना जाता है? आंसर बताइए, जालोर। चले आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से आपको मैच द फॉलोइंग करना है। आपको फेल्सपार, फ्लोराइट, कैल्साइट और वुल्स्टरनाइट को मैच करना है। तो जल्दी से 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फेल्सपार को आप किससे मैच करोगे? फेल्सपार को अपन मैच करेंगे अजमेर से। अब दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए चूंकि खनिज का क्वेश्चन है। फिर फ्लोराइट को आप मैच करोगे डूंगरपुर से, फिर कैल्साइट को मैच करोगे सीकर से, फिर वुल्स्टरनाइट को मैच करोगे पाली से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए कि सही सुमेलित नहीं है। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स तो कल भी पड़ी थी, अजमेर बॉल बेयरिंग अलवर याद आया कुछ? वो भूली बिसरी बातें याद आई आपको? सीमेंट मोडक, विद्युत मीटर जयपुर। तो कौन गलत है यहाँ पे? आपका बॉल बेयरिंग गलत है। बॉल बेयरिंग कहाँ है? जयपुर। अगला क्वेश्चन देखिए अपने टेस्ट पेपर का। किन कार्यक्रमों का अकाल राहत से सीधा संबंध है? तो बताइए किन कार्यक्रमों का सीधा संबंध है? टाइप कीजिए आंसर। तो मुझे लगता है कि अब तक तो आपने टाइप कर दिया होगा। सूखा संभाव्य क्षेत्रीय कार्यक्रम और मरु विकास कार्यक्रम, इन दोनों कार्यक्रमों का संबंध किससे है? अकाल कार्यक्रम से है। ठीक, चलें आगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कूल रहकर आप पेपर दे रहे हैं आशा करती हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए 26, वन फोर्थ विजय हमने पा लिया, 25 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अब 26 पर आते हैं। राजस्थान में बारंबार होने वाले सूखे और अकाल का प्रमुख कारण है? अब यहाँ पूछा है प्रमुख कारण है, सिर्फ कारण नहीं, मेन कारण पूछा है। अब ऑप्शन का आंसर दीजिए। इन ये चारों कारण है लेकिन कोई एक कारण बहुत प्रमुख है, तो प्रमुख कारण कौन सा होगा? तो प्रमुख कारण होगा अनियमित वर्षा। अगला देखिए, राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया था? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था। चले अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में सूर्य का तिरछापन सर्वाधिक है? तो बताइए राजस्थान के किस जिले में सूर्य का तिरछापन सर्वाधिक है? तो आंसर क्या होगा? गंगानगर। ठीक, अब देखो मैं नहीं चाहती कि मैं आपको पेपर सॉल्व करते हुए ज़्यादा डिस्टर्ब करूं, क्योंकि कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। भले ही आप कूल एंड काम हो लेकिन आपका पूरा ध्यान आपके पेपर पे होना चाहिए। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में सेवन घास, प्रोटीन वाली घास उगाई जाती है? तो बताइए कौन सी घास, ये सेवन घास कहाँ उगाई जाती है? आपकी जैसलमेर। चले आगे अगला क्वेश्चन, बर, सेवन, धामण, मुराद, करड़ और अंजन है? अभी आपको पिछले क्वेश्चन से हिंट है ये, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा घास। अगला क्वेश्चन देखिए, खेतड़ी जाना जाता है। अब बताइए खेतड़ी कल भी आया था, खेतड़ी कल भी अपन रिवाइज कर रहे थे, तो वही है कि भूली बिसरी बातें आपको भूलनी नहीं है। तो मुझे बताइए कल का खेतड़ी अगर याद है तो आज याद आ जाएगा कि खेतड़ी किससे संबंधित है? ताम्र परियोजना से संबंधित है। आगे चलते हैं, वे खनिज छाटिए जिनमें राजस्थान का समस्त भारत के उत्पादन में पूर्ण एकाधिकार है। तो आप छाटिए वो जिसमें पूरा का पूरा वो कहाँ होता है? राजस्थान में ही होता है। तो ऐसा खनिज कौन सा है? वुल्स्टरनाइट है। कौन सा है? वुल्स्टरनाइट। आगे चलते हैं, रीको सामान्यता एक औद्योगिक इकाई को ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर्ज दे सकता है? 10 करोड़, 4 करोड़, 1 करोड़, कोई सीमा नहीं है निर्धारित। तो आप मुझे बताइए आंसर क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, अगर गलती हो जाए तो बताना और फिर अपन इसको क्या कर देंगे, सही कर लेंगे। तो इसका सही आंसर होगा कोई निर्धारित सीमा नहीं है। अगला देखिए, राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के अंतर्गत स्थापित किया गया था कब? कौन से ईयर में स्थापित किया गया? तो ये तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी से सही आंसर बताइए इसका। तो इसका सही आंसर होगा 1955। चलो अगले क्वेश्चन की ओर, राजस्थान हिंदुस्तान मशीन टूल्स फैक्ट्री स्थित है, कहाँ स्थित है राजस्थान? कल भी याद कराई थी HMT का कारखाना मदद लेकर किसी से स्थापित किया था हमने, इंटरनेशनल अफेयर्स है हमारे। तो बताइए आंसर क्या होगा? अजमेर। निम्नांकित में से राजस्थान में कौन सा अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र बीकानेर से स्थित है? ये भी कल किए थे अपन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताना जल्दी से? RNB इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, आगे चलते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर है? देखो इस बार वो महिला नहीं पूछ रहा आपसे, पुरुष पूछ रहा है, तो अच्छे से पढ़ना और अच्छे से आंसर देना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। नोट डाउन कर लेना बाद में 37 को, कल बात करेंगे गलत हुए हुए प्रश्नों पर।
राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? इजी क्वेश्चन है, पहली पीडीएफ में आपको सॉल्व कराया गया था, तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। राजस्थान में किस जिले में सबसे अधिक गेहूं उत्पादित होता है? तो राजस्थान के कौन से जिले में सबसे अधिक गेहूं उत्पादित होता है? तो राजस्थान के सबसे जिले जिसमें होता है वो है गंगानगर। चले अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, सरसों को देख के स्माइल आ जाती है 440 वोल्ट की, क्योंकि यहाँ पे क्या दिखता है, सेवर। चले आगे, अगला क्वेश्चन, जावर खान किससे संबंधित है? जावर माइंस किससे संबंधित है? तो बताइए कौन किससे संबंधित है और किस जिले में है जावर माइंस? तो जावर माइंस कौन से जिले में है? उदयपुर में स्थित है आपके जावर माइंस। आगे चलते हैं, वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं? बताइए किस जिले में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बाड़मेर। ठीक है, राजस्थान का भविष्य है बाड़मेर, राजस्थान का सारा स्कोप बाड़मेर में बैठा है अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि कल बताया था इंडस्ट्री को क्या चाहिए, बिजली और पैसा, तो वो बिजली कहाँ से मिलेगी आपको, बाड़मेर से मिलेगी। नाथरा की पाल जिससे संबंधित है वह है? तो बताइए नाथरा की पाल किससे संबंधित है, जल्दी से आंसर बताइए कि नाथरा की पाल का संबंध किससे है, आंसर दीजिए नाथरा की पाल का। तो नाथरा की पाल का संबंध किससे है? तो नाथरा की पाल का संबंध है आपका लौह अयस्क से। किससे है? लौह अयस्क से। आगे चलते हैं, राजस्थान का 90% से अधिक फेल्सपार का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है राजस्थान का 90% से अधिक फेल्सपार का उत्पादन करने वाला जिला? हमारा प्यारा अजमेर। चले अब आप एक बार से पॉज लेना, क्योंकि यहाँ देखो सबके सब डाटाज लिखे हुए हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, वो आपसे कुल भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में पूछ रहा है और आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ पूछ रहा है, तो बड़े आराम से स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिए और आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट 23-3 से 30-12 नॉर्थ, 69-30 डिग्री मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट्स ईस्ट से 342,239.74 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? चले ठीक, अगला क्वेश्चन 46, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश? वांगड़ प्रदेश के लिए, माही बेसिन के लिए, हाड़ोती के पठार के लिए या बनास बेसिन के लिए? आंसर बताइए, हाड़ोती के पठार के लिए जाना जाता है। मक्का के अंतर्गत सर्वाधिक कृषि भूमि वाला राजस्थान का क्षेत्र है, इसका भी आंसर बताइए कौन सा होगा, अपन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो मक्का कहाँ कहाँ है राजस्थान में मैक्सिमम? दक्षिणी राजस्थान के अंदर। ठीक है, अब आपके पेपर का अगला क्वेश्चन देखो, 48 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कहाँ मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया है? तो कहाँ किया है, आंसर दीजिए इसका। इसका सही आंसर होगा ए, सूरतगढ़। फिर देखना, डेगाना जिस खनन के लिए जाना जाता है वो कौन सी जगह है? तो डेगाना जिस खनन के लिए जाना जाता है वो कौन सी जगह है? टंगस्टन। कौन सी जगह है वो? टंगस्टन। चले आज कहोगे कि मैम कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कुछ नहीं, तो आज तो आपका पेपर है, मैम एक्सप्लेनेशन दे दे। आज के दिन मैम सब भूल गई, एक दिन के लिए मैम ने सब मेमोरी इरेज कर दी है कि आप आज पेपर दीजिए मस्त से। हाँ चलो बातें नहीं करते हैं, टाइम टेकिंग टास्क है ये। राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो बताइए आंसर, राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो राजस्थान का कौन सा जिला है वो? नागौर। राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए हैं? तो बताओ प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार कहाँ खोजे गए हैं? जैसलमेर, बांसवाड़ा, धौलपुर या बीकानेर? तो प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार आपको कहाँ खोजे गए हैं, आंसर देना इसका कौन सा होगा, जल्दी से बताइए फटाफट कि इसका आंसर क्या होगा, प्राकृतिक गैस के बड़े भंडारों वाला। तो राजस्थान में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार कहाँ हैं भाई? जैसलमेर में। कहाँ मिलेंगे आपको? जैसलमेर में। आगे चलते हैं, राजस्थान का प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिला है? अब सीक्वेंस दे रखी है बहुत सारी, आपको सही आंसर बताना होगा। बताइए राजस्थान में प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? आंसर का वेट करती हूँ मैं आपका। हाँ तो आशा करती हूँ आंसर आ गया होगा, अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर। तो 52 का क्या होगा, ए। चले आगे, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये तो बहुत टैग है लेकिन अब इसके ऑप्शन को गौर से देखना और आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, अगर जो नज़दीक ऑप्शन है उसको टिक लगा देना, ठीक है? तो इसका सही आंसर होगा 19, ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर होगा 1995-1996। फिर देखिए, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम फैला है, अब इन्होंने
आपके साथ गड़बड़ कर ली है। क्या गड़बड़ कर ली है? आपको ईयर नहीं पूछा है, आपको कितने जिले हैं वो पूछ लिया है। तो बताइए कितने जिलों में फैला है? दो जिलों में फैला है। आगे चलते हैं। स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस कृषि के नाम से जाना जाता है? तो किस कृषि के नाम से जाना जाता है? आंसर दीजिए वालरा। कौन सी कृषि के नाम पे जाना जाता है? वालरा। अगला देखो, फिर से आप इसको गोला कर लीजिए, कौन सा कथन असत्य है? 56 का आंसर बताना। शुष्क सांगवान वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर चित्तौड़ सिरोही जिलों में मिलते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं। तो कौन सा गलत है आपका? तो गलत कौन सा है? डी, कांटेदार वन। भई कब से पूर्वी राजस्थान में आने लग गए? ये पश्चिमी राजस्थान के, ठीक है। चलो आपका सही आंसर होगा डी। आशा करती हूँ 56 तक तो लोगों ने गलती नहीं की होगी। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ किन जिलों में स्थित है? तो किन जिलों में स्थित है? कोटा और झालावाड़। राजस्थान में बार बार अकाल क्यों पड़ते हैं? कौन सा कथन प्रासंगिक नहीं है? तो कौन सा कथन प्रासंगिक नहीं है, कौन सा अकाल पड़ने का कारण नहीं है? आंसर होगा फसलों का गलत प्रारूप। आगे बढ़े। राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है? तो राजस्थान के किन जिलों में कांच उद्योग स्थापित हुआ है? धौलपुर। कल भी अपन कांच उद्योग पर बात करे थे। राजस्थान में वनस्पति घी, लो आ गया वनस्पति घी, कल बहुत पूछा था मैंने आपको। वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया है? तो कहाँ खोला गया है वनस्पति घी का प्रथम कारखाना? भीलवाड़ा। अगर आपको परेशानी ना हो अभी, क्योंकि आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, प्रेशर में हो, तो अगर आपको ईयर याद हो तो आप ईयर भी लिख देना, इससे मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं जितना पढ़ाई हूँ आपको समझ आया है। अगला देखो, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सही है माही नदी। माही खमनौर की हिल से नहीं निकलती है, अमरोरू हिल से निकलती है एमपी में, ठीक है। चलो फिर से 62 नंबर क्वेश्चन देखें। आपको मैच द फॉलोइंग करना है, जैसलमेर को मैच करना है जलवायु से। तो जैसलमेर की जलवायु जयपुर की, सवाई माधोपुर की और झालावाड़ की। तो जैसलमेर में क्या होगा? शुष्क यानी कि 4। जयपुर में क्या होगा आपका? सब ह्यूमिड यानी कि उपाद्र। फिर आपका सवाई माधोपुर के अंदर क्या होगा? झालावाड़ में होगा अति आद्र और सवाई माधोपुर में होगा आद्र। तो 4321 फोर्थ ऑप्शन में है, तो जिसका भी डी आंसर है वो सही है। चले आगे, अगला क्वेश्चन। भयंकर अकाल जो राजस्थानी लोगों में छप्पनिया का काल नाम से जाना जाता है, वो कौन से ईयर में पड़ा था? बताइए आंसर कौन से ईयर में पड़ा था? तो सही आंसर आएगा 89 से 900 AD के बीच में। तो जिसका ए आंसर है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है? फिर से किस पे गौर रख लेना, नहीं पे कर लेना। बार बार नहीं पर गोला लगाना, असत्य कथन पर गोला लगाने का एक ही उद्देश्य है कि कम से कम आप समझ जाएं कि वहाँ इन लोगों से आपको उलझना नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? शहरीकरण नहीं है। कौन सा नहीं है? शहरीकरण। आगे बढ़ते हैं। 65 पढ़ते हैं। राजस्थान में सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है, कौन सी हवाओं से होती है राजस्थान में सर्दियों की वर्षा मुख्यतः? तो आंसर क्या है इसका? इसका आंसर सही है नॉर्थ ईस्ट विंड्स, उत्तर पूर्वी हवाओं से। राजस्थान में वार्षिक वर्षा के बढ़ती मात्रा की प्रवृत्ति जिस ओर है वह है? राजस्थान में वार्षिक वर्षा किस ओर से किस ओर बढ़ती है? बताइए सही आंसर, किस ओर से किस ओर बढ़ती है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर क्या बढ़ती है आपकी वर्षा की मात्रा? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर आपकी क्या बढ़ती है? वर्षा की मात्रा बढ़ती है। आगे चलते हैं। शुष्क वन अनुसंधान आफरी, बताइए आफरी कहाँ स्थित है? आफरी का आंसर होगा जोधपुर। अपन आफरी का सन भी याद करे थे, अगर किसी को याद आ रहा हो तो वो प्लीज़ टाइप करके बताए, साथ साथ थोड़ा थोड़ा रिवीजन होता रहेगा। हाँ, अगला, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में नेशनल लेवल के, वो यही पूछना चाहता है ना, तो इसी को बक्से में बंद कर दीजिए, राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं? आमेर बीछवाल, बस्सी मांगरोल, दुर्गापुरा, शाहपुरा, तबीजी और सेवर। थैंक यू फॉर करेक्ट मी, पिछली बार मैंने तबीजी गलत कर दिया, तबीजी वाला क्वेश्चन वो था, वो जल्दीबाजी में गलत कर दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद सही करने के लिए। तो अब मैंने तबीजी सही बोला है आप लोगों की बात मान के।
तो तबीजी अजमेर और सेवर भरतपुर, इसका क्या होगा सही आंसर? वो बीजे मसाला वाला था, वो थोड़ा प्रेशर रहता है ना ऑनलाइन का, अब धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गया तब, और इसीलिए आपकी मैं थैंक यू बोल रही हूँ, क्योंकि जो भी आपको सही करे उसको हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। चले आगे, देखो मैंने आपको करेक्ट करके बता दिया, एजुकेशन टू वे कम्युनिकेशन है। मैं कुछ चीज़ें आपसे सीखूंगी, कुछ चीज़ें आप मुझसे सीखेंगे, और यही सीखने सिखाने का सिलसिला चलता रहेगा, हम आगे बढ़ते रहेंगे। कुछ लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे तो मुझे खुशी होगी, पर मैं यहीं रहूंगी आपको सिखाने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है, ये भी अपन कल करे थे क्वेश्चन, तो मुझे लगता है कि अब तक तो आंसर आ गया होगा। सही आंसर क्या है? सूती वस्त्र। फिर देखो, फैक्ट्रियों की नवीनतम सूचना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं? बहुत ध्यान से कॉमन सेंस से क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा। आंसर क्या होगा? जयपुर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। राजस्थान में टायर एंड ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थापित है? आंसर दीजिए, कांकरोली में स्थित है। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले हैं, तो बताइए राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले कौन से हैं? तो इसका सही आंसर बताइए जल्दी से। हाँ, तो इसका सही आंसर होगा बूंदी, चित्तौड़, कोटा, सिरोही और उदयपुर। चले अगले क्वेश्चन की ओर, आपके टेस्ट के, आपका टेस्ट का अगला क्वेश्चन फिर से गोला कर दीजिए नहीं है को, तो बताइए सही आंसर क्या होगा, कौन गलत है? देखने से पता चल रहा है उर्वरक और मोदक का कोई रिश्ता नाता दूर तक नहीं है। उर्वरक के लिए आप क्या चुनेंगे? गड़ेपान कोटा को, मोदक मंगलम सीमेंट। ठीक है, चलो 73 क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। 74, फिर से आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, एक बार पॉज ले लीजिए, आराम से क्वेश्चन पेपर को पढ़िए। राजस्थान औद्योगिक विकास के लिए रिको 1969 में स्थापित किया गया, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रिको राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करता है, बिल्कुल सही बात है, औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करता है। रिको उद्योग के लिए वित्तीय सुविधा प्रदान करता है, ये भी सही है। रिको राजस्थान में सभी विनियोग प्रस्तावों का अनुमोदन करता है, नहीं, अनुमोदन करना रिको का काम नहीं है। तो आपके कौन से ऑप्शन सही होंगे? फर्स्ट एंड सेकंड। चले अगला क्वेश्चन देखो, राज्य में कृषिगत विकास के लिए क्या किया जाना चाहिए? आंसर बताइए, राज्य में कृषिगत विकास के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो राज्य में कृषिगत विकास के लिए क्या किया चाहिए? सूखी खेती की पद्धति अपनानी चाहिए, मिश्रित खेती अपनानी चाहिए, फव्वारा सिंचाई को बढ़ावा देना चाहिए। तो आपका सही आंसर क्या होगा? डी। हो गए 75 तक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से आपको स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, आराम से पढ़े क्वेश्चन को, 76 नंबर टेक योर टाइम। देखो 3 घंटे देता है एग्जामिनर, आराम से क्वेश्चन पेपर को पढ़ना चाहिए मस्ती से एकदम। राजफेड के संदर्भ में कुछ कथन दिए जा रहे हैं, सही कथन चुनिए। देखो सबसे बड़ा खेल सही तरीके से प्रश्न पढ़ने में ही है। कथन, राजफेड राज्य में कृषकों को उन्नत बीज, उर्वरक तथा कीटनाशक दवाइयाँ उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाता है। फिर राजफेड राज्य में कृषकों को उनकी फसलों के उचित मूल्य दिलवाने को सुनिश्चित करता है। राजफेड राज्य में कृषि के सर्वोच्च विकास बैंक के रूप में कार्य करता है। तो अब ऑप्शन देख के बताइए कौन से कथन सही है और कौन से कथन सही नहीं है। तो आपका सही आंसर होगा ए और बी सही है, सी गलत है। कौन सा ऑप्शन गलत है? सी गलत है। अब साथ के साथ अगर किसी को पता है कि सी क्यों गलत है तो वो भी आंसर दीजिए। देश में राजस्थान किसका एकमात्र सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देश में राजस्थान किसका एकमात्र सबसे बड़ा उत्पादक है? बाजरा, बाजरा में किंग है अपन। ठीक है, निम्न से असंबंध मतलब जो सही नहीं है, जो चारों में ऑड है उसको आउट कीजिए। कौन है इन चारों में ऑड? तिल, मूंगफली, अरंडी और सरसों में कौन ऑड है? आपकी सरसों ऑड है, तो किसको बाहर कर दीजिए? सरसों को बाहर कर दीजिए। आगे चलते हैं, चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल इंडस्ट्रीज स्थापित है, ये कल पढ़ा था अपन ने। तो बताइए मुझे आंसर क्या होगा 79 का, घड़ेपान कोटा। राजस्थान में अभ्रक ईंट उद्योग केंद्रित है, कहाँ केंद्रित है राजस्थान में अभ्रक उद्योग केंद्रित है? भीलवाड़ा में। तो आपका सही आंसर क्या होगा? भीलवाड़ा। आगे बढ़ो, सॉरी अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, यहाँ तक कर लिए थे ना 80 तक, अपन आते हैं 81 पर। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट प्लांट स्थापित है, तो बताइए राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट प्लांट कहाँ पर है? तो राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट प्लांट का आंसर क्या होगा? गोटन। फिर 82 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर। तो बताएं किस में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है? अमेरिकन कपास का उत्पादन वाला का आंसर होगा सही आपका गंगानगर। क्या होगा सही आंसर? गंगानगर। आगे चलते हैं, गोठ मांगलोद क्षेत्र किस
का संबंध किस खनिज से है? बताइए, गोठ मांगलोद का संबंध किस खनिज क्षेत्र से है? आशा करती हूँ आंसर दे दिया होगा अब तक तो, जिप्सम। कल वाला देखो क्वेश्चन आ गया, जयपुर में मानपुरा माचेड़ी में विकसित है, क्या विकसित है मानपुरा माचेड़ी में? सही आंसर है लेदर कॉम्प्लेक्स। कल हिंदी में लिखा था चमड़ा, आज इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है। राज्य में गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कौन संचालित करता है? कौन संचालित करता है बताइए, आंसर क्या होगा, कौन संचालित करता है? सही आंसर है सी, राजसी को। निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? सारे सीमेंट के उत्पादक हैं चारों ऑप्शन, लेकिन जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो आपको बताना है। तो सबसे बड़ा सीमेंट का उत्पादक जिला कौन सा है आपका? चित्तौड़। चले अगले क्वेश्चन की ओर। 87 धौलपुर विद्युत परियोजना किस पर आधारित की गई है? तो धौलपुर विद्युत परियोजना किस पर आधारित है? लिग्नाइट, गैस, नेफ्ता और डीजल। आंसर बताइए कि धौलपुर परियोजना किस पर आधारित है। 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? गैस। चले अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर की स्थापना कब हुई है? तो कब हुई है सेवर की स्थापना? 1993 में। अब अगला क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन देखो, आपको मैच द फॉलोइंग करनी है, मैच द फॉलोइंग करके आंसर दीजिए 89 नंबर क्वेश्चन का। आगे आंसर क्या होगा? सही आंसर, जवार को आप किससे मैच करेंगे? अजमेर से। मक्का को आप किससे मैच करेंगे? उदयपुर से। गेहूं को आप किससे मैच करेंगे? गंगानगर से। बाजरा को आप किससे मैच करेंगे? जैसलमेर से। तो आप सबका जिनका भी आंसर डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। चले अगला, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, पहला ऑप्शन आपके पास जिप्सम, तो जिप्सम को किससे मैच करोगे आप? जामसर से। फिर बी में क्या करोगे आप? तांबा को किससे मैच करोगे? तांबा को किससे मैच करना है आपको? खोदरीबा से। फिर रॉक फॉस्फेट को झामर कोटड़ा से। फिर सीसा और जस्ता को रामपुरा से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 90 का सही आंसर होगा 4312। तो आपका 4312 ए में है। तो जिन भी लोगों ने वन आंसर दिया है, जिन भी स्टूडेंट्स ने वन आंसर दिया है, वो आंसर क्या है? सही है, ठीक है। चलो अगला, रॉक फॉस्फेट राजस्थान के किन जिलों में पाया जाता है? तो रॉक फॉस्फेट राजस्थान के किन जिलों में पाया जाता है? आंसर बताएं इसका मुझे। अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन भी करके रखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, 91 पेपर में भी मिल सकता है आपको, एग्जाम में दीदार कर सकते हो आप 91 का। तो 91 का सही आंसर है बांसवाड़ा, जैसलमेर और उदयपुर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से जिलों के समूह में सबसे कम, देखो गौर रखना, सबसे कम महिला साक्षरता अंकित है? तो सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ अंकित है? तो आंसर क्या होगा? सही आंसर है जालोर, सिरोही और जैसलमेर। तो आंसर क्या होगा? सी। आगे चलो 93, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से साक्षरता दर सर्वाधिक पाई गई। जिलों को ज़्यादा से कम, क्या कह रहा है वो, ज़्यादा से कम साक्षरता दर के सही क्रम में चिन्हित कीजिए। मतलब जिसकी ज़्यादा है वो पहले आएगा, जिसकी कम है वो लास्ट में जाएगा। तो चारों ऑप्शन को तरीका बताया हुआ है, आप कैसे सेट करोगे जल्दी से, फिर क्या बताओगे मुझे, आंसर बताओगे। तो सही आंसर होगा डी, सबसे पहले आएगा कोटा, फिर आएगा जयपुर, फिर झुंझुनू, फिर सीकर और अलवर। चले आगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन टेस्ट पेपर का 94 है। तो राजस्थान के जिस जिले में वहाँ के फसली क्षेत्र के 20% से अधिक भाग पर गेहूं की खेती की जाती है, तो वो कौन है? तो चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर होगा आपको? हनुमानगढ़। अगला देखो, रबी की फसल बोई जाती है, कब बोई जाती है रबी की फसल? सही आंसर क्या है? नवंबर। चले हाँ 96 नंबर क्वेश्चन देखो, देश में कितनी बंजर भूमि राजस्थान में? तो कितनी बंजर भूमि राजस्थान में? तकरीबन 20% है, तकरीबन कितनी है? 20%। अगला क्वेश्चन 97, इनमें से कौन सा राजस्थान का प्रमुख जिप्सम उत्पादक क्षेत्र है? तो बताइए आंसर 97 का कि प्रमुख जिप्सम उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं जल्दी से 97 का आंसर बता दीजिए कि प्रमुख जिप्सम उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं। तो सही आंसर क्या है? बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़। आगे बढ़ते हैं, आपको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को फिर से 98 में क्या करना है? मैच करना है। तो मैच कीजिए लॉ यस को
फिर तांबा को, फिर मैगनीज को, फिर सीसा जस्ता को। और मैगनीज तो इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट और है, क्योंकि ये बेचारा अखबारों की सुर्खियां बना है, और जो लोग अखबारों की सुर्खियां बनते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आपका खनिज क्या है इम्पॉर्टेंट, तो इसका सही आंसर क्या होगा? लौह अयस्क में आपका क्या होने वाला है? जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा। तांबा में आपका झुंझुनू सही है, मैगनीज में आपका बांसवाड़ा उदयपुर सही है, और डी में आपका उदयपुर भीलवाड़ा सवाई माधोपुर सही है। तो 1, 2, 3, 4 तो सही आंसर जिनका ए है उनका करेक्ट है। अब मुझे तकरीबन बताइए 98 तक क्वेश्चन हो चुके हैं, किसके कितने नेगेटिव हुए हैं वो भी बताते जाइएगा, और कौन सा नेगेटिव हुआ है वो भी बताते जाइएगा। अब आ जाते हैं 99 नंबर क्वेश्चन पर। राजस्थान में भू क्षेत्र की लंबाई की दृष्टि से, ये क्वेश्चन भी मैंने फर्स्ट या सेकंड क्लास जिसमें नदियाँ, जलवायु नदियाँ वाला जो क्लास था उसमें सॉल्व कराया था और बताई भी थी कि किसकी कितनी है। तो आप मुझे जल्दी से आंसर बताइए, आरोही क्रम पूछा है आपको, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा जैसे मैंने सिखाया था आपको। तो सही आंसर क्या होगा? ए, कांतली, चंबल, लूनी और बनास। चलें आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, राजस्थान मरुस्थल में ग्रीष्मकाल में तापमान के आकस्मिक गिरावट होती है। ये अच्छा क्वेश्चन है, सिलेक्शन डिसाइड क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा टफ है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखना, चारों के चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना और फिर आंसर देना। तो पहला ऑप्शन पढ़ लो सारे के सारे, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। तो इसका सही आंसर है ए, वायुमंडल में उच्च शुष्कता, स्वच्छ आसमान, रेतीली मिट्टी और वनस्पति की कमी। तो हम तकरीबन 100 क्वेश्चन क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं अब तक। तो 100 क्वेश्चन के हिसाब से किसका कम है, किसका, जिसका भी स्कोर कम है ना वो चिंता नहीं ना करे। क्यों चिंता ना करे? क्योंकि अभी हम टेस्ट पेपर दे रहे हैं। देखो, पता है आपको शायद ये कभी महसूस हुआ नहीं होगा, पर मैंने तो ये महसूस किया है कि जो टेस्ट पेपर में सबसे ज़्यादा गलतियाँ करता है वो सिलेक्शन में रैंक लगाता है, और जो टेस्ट पेपर में बहुत अच्छा करता है, कहता है यही सब कुछ है, यही अंतिम है, गलतियाँ करने से बचता है, वो कई बार सिलेक्शन में क्या रह जाता है, पीछे रह जाता है। क्यों रह जाता है? क्योंकि टेस्ट पेपर आपको ये चेक करने के लिए दिया जाता है कि आप गलती कहाँ करोगे। अगर आप ये सीख जाओगे ना कि हम इस जगह गलती करेंगे, तो वो काम आप कहाँ जाकर नहीं करोगे, एक्चुअल टेस्ट सीरीज, एक्चुअल टेस्ट पेपर में नहीं करोगे। तो जितनी गलतियाँ करनी है ना, आप संकल्प कर लो कि अभी माइनर टेस्ट में कर लेंगे, लेकिन पेपर में जाकर हम गलती नहीं करेंगे। तो गलती जिनसे हो रही है वो डरे ना, गलती को बस लिख लें और फिर वापस से ना दोहराएं। चले आगे, 100 क्वेश्चन हो गए हैं, अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 101 नंबर क्वेश्चन देखो, वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए? तो कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए? 33% इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, 102, आपको फिर से मैच द फॉलोइंग करनी है, तो मैच द फॉलोइंग कीजिए। उम्मेद सागर कहाँ स्थित है आपकी, नक्की झील कहाँ स्थित है आपकी, पिछोला कहाँ स्थित है, और तालाबशाही कहाँ स्थित है? तो सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर बी है, तालाबशाही आपकी कहाँ है, धौलपुर में, पिछोला आपकी उदयपुर में, नक्की आपकी सिरोही में, और उम्मेद सागर आपका भीलवाड़ा में। ठीक है, चलें आगे 103 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 103, राज्य में मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन इस जिले में होता है, किस जिले में होता है राजस्थान का मूंगफली में सबसे ज़्यादा उत्पादन? तो बीकानेर। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखो, 104, मिश्रित कृषि क्या है, मिक्स्ड फार्मिंग या मिक्स्ड एग्रीकल्चर किसको बोलते हैं? तो किसको बोलते हैं मिक्स्ड एग्रीकल्चर, जल्दी से बताएं आंसर। तो मिक्स एग्रीकल्चर का आंसर सही है सी, मिक्स है ना, तो किसको मिक्स कर दो, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, कृषि और पशुपालन को मिक्स कर दो। तो ये है कई तरह की फसलें उगाना और पशुपालन भी। चलें आगे, आज मैं आपको इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं कर रही हूँ बोल के, क्योंकि पूरा माहौल देना ज़रूरी है, कि आपको फील आनी चाहिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, उस समय आपके आसपास शांति होनी चाहिए और आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ उस पर फोकस कर पाए। ठीक है, 105 नंबर क्वेश्चन देखो, प्राकृतिक साधनों की प्रकृति एवं उपलब्धता के आधार पर राजस्थान में उन उद्योगों के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं जिनका आधार है, मतलब वो आपसे ये पूछ रहा है कि किन के बेसिस पर हम आगे बढ़ सकते हैं, किन के, जिनमें स्कोप ज़्यादा होगा, किसका स्कोप ज़्यादा है राजस्थान में, खनिज का। आई समझ में बात? चलो, 106, राज्य के औद्योगिक विकास में सबसे बड़ी बाधा है, तो राज्य के औद्योगिक विकास में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है, बताएं आंसर इसका। ये तो मैंने गाना गाकर बताया था आपको, ये तो कभी भूल ही नहीं सकते आप। देखो, आपको दिख रहा होगा आधारभूत ढांचे का अभाव, और सबसे ज़्यादा किसका अभाव होगा, बिजली का। ए, 106 के बाद देखो अगला, 107, राजस्थान टेक्सटाइल सिटी, कौन है राजस्थान टेक्सटाइल सिटी, जल्दी से आंसर दीजिए, भीलवाड़ा।
फिर इनमें से कौन सा सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र नहीं है, कौन सा सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र नहीं है, जल्दी से बताना आंसर कि कहाँ पे कोई सूती वस्त्र उद्योग से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा है, टोंक। आगे बढ़ते हैं, कौन सा एक राजस्थान में सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है, तो बताइए कौन सा नहीं है सीमेंट उद्योग का एक केंद्र, गुलाबपुरा नहीं है। क्यों? क्योंकि गुलाबपुरा भीलवाड़ा में स्थित है जो टेक्सटाइल का केंद्र है। फिर आ गई देखो अपनी सेंट गोबेन कंपनी, तो बताइए सेंट गोबेन कंपनी का उत्पाद है क्या, बनाती है सेंट गोबेन कंपनी ग्लास। ठीक है, इसी के साथ 110 क्वेश्चंस आपने क्या कर लिए हैं, सॉल्व कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, आपको अपना मुझे स्कोर बताना है, साथ ही साथ आपको मुझे ये भी बताना है कि किसने कौन सा क्वेश्चन गलत किया है। जिसने जो भी क्वेश्चन गलत किया है ना, वो उसे राइट डाउन करे या स्क्रीनशॉट ले और मुझे बताए कमेंट बॉक्स के जरिए, ताकि मैं आपको बता सकूं। और एक बार जिनकी भी गलतियां होंगी मैं बता दूंगी कि इन इन बच्चों से ये गलतियां हुए हैं, और रिमाइंडर सेट कर देंगे। तो रिमाइंडर सेट करने से क्या होगा कि आपकी मेमोरी को बार बार ये बताया जाएगा कि देख तुमने ये गलती की है, आगे नहीं करनी है। तो आपको जब एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तब तक आपसे वो गलती नहीं होगी। तो आज के टेस्ट का उद्देश्य यही था कि आप गलतियाँ कम से कम करें, या जो गलतियाँ आपसे प्रेशर में हो जाती है वो आप एग्जामिनेशन हॉल में ना करें। तो इसी के साथ अपना स्कोर बताइए, और आज का टेस्ट यहीं समाप्त होता है। और कल हम नए टॉपिक उठाएंगे और नए टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसका भी एक माइनर टेस्ट होगा। तो इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेती हूँ, और आशा करती हूँ कि आपने आज का टेस्ट अच्छा किया होगा। और अगर आपको कहने की अब ज़रूरत नहीं है कि आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इन 40 दिनों की क्लासों के बाद अपन जल्द ही सब्जेक्टिव फॉर्मेट में भी पढ़ेंगे। जैसे कि सर हिंदी का एक दिन में एक लेक्चर देते हैं आपको, वैसे ही मैं आपको हिंदी जीके के सेक्शन का, चाहे वो राजस्थान का टीचर ग्रेड का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, लोवेस्ट थर्ड ग्रेड से लेके हाईएस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर तक, और एडमिनिस्ट्रेटिव करियर जिनको बनाना है, प्रशासनिक क्षेत्रों में जिनको जाना है, उनमें आरएस और एसआई के लिए, आरएस में प्रीलिम्स और मेंस दोनों की बेहतरीन अप्रोच दूंगी आपको, और एसआई के लिए भी हम मिलेंगे वापस, क्योंकि आप लोगों का इतना प्यार, इतना प्यार कि मैं अब सर के कहने से और आप लोगों के इतना मुझे प्रोत्साहन देने की वजह से मैं आपके लिए ज़रूर लाऊँगी। तो ठीक है, आज से हम इस टेस्ट को यहीं बंद करते हैं, कल से हम फिर से रिवीजन मोड में जाएंगे और फिर एक टेस्ट देंगे। ठीक है, चलो बाय।